नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत, तो मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बिहार में जाति जनगणना पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इस समय आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें हिंदू समुदाय की आबादी 81.9% है, वहीं मुस्लिम समुदाय की आबादी 17.7% है। इसके साथ ही जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। वहीं जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। तो आइए इस खबर में हम जानते हैं क्या कहती है जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट और इस पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा, आपको एक बार मालूम होगा ना, सब कुछ तैयारी हो गई है। और जब तैयारी हो गई थी तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, तो बनकर के तैयार है, अब उसको लागू करना है। आप जानते हैं ना कि जब 8 से शुरू किया 12 तक हम लोगों ने किया, अब 12 के बाद से जब भी हुआ है हमने बुलाया था राष्ट्रपति, तो तीनों बार, तीसरी बार भी हम इनको भी बुलाया, हम इनको भी फोन किए कि आइए, तो वही शायद जो डेट दे रही हैं तो उसी दिन शुरुआत हो जाएगा। ये जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।